गुवाहाटी के दिसपुर जैन मंदिर के दर्शन करके हमारी टीम पहुंची गुवाहाटी शहर के हृदय स्थल आठ गांव में। जहां पर बहुमंजिला एक मकान की छत पर भव्य रूप से स्थापित है श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय। अब हम दर्शन करने जा रहे हैं आठ गांव शांतिनाथ चैत्यालय के, तो चलिए दर्शन करते हैं शांतिनाथ चैत्यालय के। इस चैत्यालय में मूल नायक के रूप में भगवान शांतिनाथ की अतिशयकारी प्रतिमा स्थापित है, जिनके दर्शन करते ही मन में अलौकिक शांति मिलती है। साथ ही साथ वेदी पर भगवान कुंथुनाथ, भगवान चंदा प्रभु, भगवान पार्श्वनाथ समेत शांतिनाथ की एक छोटी प्रतिमा भी स्थापित है। चैत्यालय की आंतरिक साज सज्जा काफी खूबसूरत तरीके से की गई है। चैत्यालय परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाने पर चैत्यालय के बाहर भी पूजन की व्यवस्था की गई है। ১৯৭৭ के आसपास इस चैत्यालय की स्थापना हुई। पहले यह चैत्यालय एक छोटे से गृह चैत्यालय के रूप में स्थापित था, पर 1999 में बहुमंजिला मकान की छत पर स्थापित होने के बाद इस चैत्यालय की ख्याति धीरे धीरे बढ़ती गई और काफी बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ते चले गए। साल 2001 में इस चैत्यालय का नवीनीकरण हुआ और प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री विमल कुमार जी के सानिध्य में काफी धूमधाम से इसकी वेदी प्रतिष्ठा हुई। इसके बाद तो ऐसा अतिशय हुआ कि आज इस मंदिर से काफी बड़ी संख्या में गुवाहाटी के दिगंबर जैन परिवार जुड़े हुए हैं। गुवाहाटी में करीब 2000 दिगंबर जैन परिवार निवास करते हैं और आठ गाँव के इस अतिशयकारी श्री शांतिनाथ चैत्यालय से करीब 600 परिवार जुड़े हुए हैं। मैंने आज आठ गांव शांतिनाथ चैत्यालय का दर्शन किया, बहुत ही शांति का अनुभव हुआ। आप इस चैत्यालय का इतिहास बताइए। इस चैत्यालय की स्थापना आज से लगभग 42 वर्ष पूर्व मेरे ताऊजी स्वर्गीय सोहनलाल जी पाटनी एवं मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मदनलाल जी पाटनी के द्वारा हुई थी। इसके बाद मेरे बड़े भाई साहब श्री उदय कुमार जी पाटनी और मेरी माता श्री श्रीमती कमला देवी पाटनी इसकी देखरेख बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। सन 2014 के में समय के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए हमारे बुजुर्गों के लिए हम लोगों ने लिफ्ट की व्यवस्था करवाई। लिफ्ट आने के बाद तो माने चैत्यालय में भक्तों का तांता सा लग गया। प्रत्येक वर्ष पर्यूषण के समय मनोज जी के नेतृत्व में इस चैत्यालय का माहौल किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं लगता है। आज के दिन यह चैत्यालय बृहत रूप लेकर गुवाहाटी महानगर में अपनी एक अनूठी पहचान बनाए हुए हैं। मैं वह जिंदगी की टीम का आभारी हूँ कि उन्होंने चैत्यालय आकर हमारी दैनिक पूजा पाठ के कार्यक्रम की वीडियो झलकियाँ वगैरह ली। इस चैत्यालय का विशेषता बताइए। ये चैत्यालय तो है आपने कहा, लेकिन मंदिर से कम नहीं है। और इस चैत्यालय की विशेषता ये है कि आज जितने भी मंदिर है इस भारतवर्ष में शायद ही ऐसा कोई मंदिर होगा या चैत्यालय होगा कि जहाँ पुजारी नहीं हो। लेकिन इस चैत्यालय में क्या है, कोई पुजारी नहीं है कि जो अर्घ धोता हो या व्यवस्था करता हो। यहाँ जितने भक्तगण जो आते हैं कलश पूजा करते हैं, वो ही व्यक्ति खुद ही कलश की तैयारी करते हैं, अर्घ की तैयारी वो लोग खुद ही करते हैं। और सुबह जब 4:15 बजे जब मंदिर खुलता है तो 4 बजे से यहाँ लोग खड़े हो जाते हैं कि कब मंदिर खुले और कब वो लोग मंदिर का पट खोले, कब तैयारी करें। और दशलक्षण में रोज तो धोते ही, दशलक्षण के अंदर में जो कम से कम भी 150-200 लड़के कलश करते हैं, पूजा करते हैं, इतनी महिलाएं करती हैं, सभी लोगों के लिए पूरी व्यवस्था
पूजन की व्यवस्था, दरब की व्यवस्था वो हमारे लड़के लोग जो पूजा कलश करते हैं वो लोग ही तैयारी करते हैं। तो सुबह 2:30 बजे वो लोग सब आ जाते हैं 10 लक्षण में, 10 दिन, और एक दो नहीं आते हैं, लाइन लगी रहती है, कम से कम 15-20 लड़के तो सुबह 2:30 बजे आके अपनी सारी तैयारी करते हैं। इस जत्यालय के द्वारा समाज के बड़े बुजुर्गों के साथ कई यात्राएं भी आयोजित की जाती हैं, जिसका नाम समर्पण यात्रा संघ है। तीर्थ यात्रा के दौरान समाज के द्वारा कई क्षेत्रों में प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्वार में सहयोग भी दिया जाता है। आज यह जत्यालय भले ही कहलाता हो, परंतु इसका स्वरूप किसी मंदिर से कम नहीं है। इस जत्यालय की सबसे खास बात यह है कि इससे युवा वर्ग भी काफी बड़ी संख्या में जुड़ा हुआ है, जिनका चैत्यालय के प्रति काफी गहरा समर्पण भाव है। चैत्यालय से जुड़ी महिलाएं जहां एक तरफ धर्म से जुड़ी हैं, वहीं सामाजिक कार्यों में इनका काफी बड़ा योगदान रहता है। सब महिलाएं सिर्फ धर्म से ही जुड़ी है या कोई सामाजिक कार्य भी करते हैं? आठ गांव जत्यालय की तरफ से आप सभी का भाई जिंदगी वालों का अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। और सामाजिक कार्य हमारा ये है कि जैसे पैसा इकट्ठा करना, कहीं मतलब गरीबों को देना, और जिसके मतलब काम क्या बोलते हैं बीमार से ग्रसित है और जिसका इलाज नहीं होता है उनको हम सहायता करते हैं। और यहाँ पे पाठशाला चलती है, धर्म क्लास पाठशाला चलती है, जिसमें महासभा के अंडर में चलती है, मैं अध्यक्ष हूँ उसके अंडर में चलती है, 10 टीचर्स हैं और 70-80 बच्चे हैं उसमें, और वो बच्चे इतना इंटरेस्ट लेकर के मतलब पढ़ते हैं ना कि सबको बख्तामर तक आने लग गया, और हर पार्टिसिपेट करते हैं हर प्रोग्राम में वो लोग बच्चे। और आठ गांव की महिलाओं का तो क्या कहना, धर्म से जुड़ी हुई है, हर दिन हम लोग उपवास व्रत करने वाली महिला रहते हैं, और जो कार्य होता है वो शांतिनाथ दिगम्बर जत्यालय से नया कार्य होता है, जैसे उपवास व्रत करना, जैसे हमारे शैलेश भैया है एक एक महीने का उपवास यहीं से शुरू किए, अभी इस व्रत पे साधना पे चल रहे हैं, एक दिन का उपवास एक दिन का पारना। पान बाजार, रिहावाड़ी, आठ गांव, शांतिपुर, सारी जगह के लोग यहाँ पे पूजा अभिषेक प्रक्षाल के लिए हमेशा आते हैं, और पर्युषण में तो यहाँ पे लोगों का भक्तों का तांता लगा रहता है। और वह जिंदगी के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि समय के साथ विकास तो होना जरूरी है, लेकिन विकास के साथ यदि हम अपने धर्म, संस्कृति, परिवार और स्वास्थ्य को भूल जाएं तो वो विकास अधूरा है। इसलिए मेरी सभी से अनुरोध है कि विकास के साथ अपने धर्म, संस्कृति, स्वास्थ्य, परिवार का भी ध्यान रखें। वह जिंदगी टीम का अभूतपूर्व ढंग से स्वागत किया, जिससे हमारी टीम अभिभूत हो गई। ललित कुमार की सरावगी और सविता देवी आई है, आप सभी का शांतिनाथ दिगम्बर टीम के साथ उनका प्रोग्राम इसलिए करते हैं कि हमारे दिगम्बर के पूरे भारतवर्ष में जितने भी मंदिर चैताले हैं उन सबका दर्शन हमारा पॉसिबल नहीं होता, नाम भी हम नहीं जानते हैं, तो वो अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, वहाँ जिंदगी के माध्यम से वो हमें पूरे भारतवर्ष के लगभग मंदिर को कवर करते हैं और उनको चैनल के माध्यम से हम लोग को दिखाते हैं। अगर आपने अभी तक श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय के दर्शन नहीं किए हैं तो आज ही आइए और शांतिनाथ प्रभु के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी।